कि आम आदमी पार्टी ये तय करके एक प्रेस वार्ता करे और दिल्ली की जनता को जानकारी दे कि उनकी शराब नीति उनके हिसाब से सही है या गलत है। अगर सही है तो सीबीआई जांच की खबर आते ही ये डर के मारे टांगे क्यों कांपने लगी? जिस नीति को लाभकारी बताते थे, जिस नीति को दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस बनाने की सबसे मजबूत कड़ी बताते थे, उस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? और वापस लेकर उन्हीं शीला दीक्षित जिनके बेईमान बेईमान लिखकर पोस्टर ऑटो के पीछे चिपकाए जाते थे, उन्हीं शीला दीक्षित जी की नीति की शरण में क्यों आना पड़ा, ये तो बताना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नीति सही नहीं थी इसीलिए वापस ली, तो गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये भी बताना चाहिए। गलत काम करें और सीबीआई की जांच ना हो, ये आम आदमी की तो डिमांड नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वीवीआईपी कल्चर है कि हम नेता हैं, हम मंत्री हैं, तो हमारी जांच भी नहीं हो सकती। कितने दूध के धुले हैं मनीष सिसोदिया, क्या इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए?